हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग फॉलिंग मार्क FM के बारे में जानेंगे कि FM क्या होता है और क्यों रेलवे ट्रैक में इसे इंस्टॉल किया जाता है। तो इस वीडियो के लास्ट में मैंने स्केच के माध्यम से भी इसे समझाने का पूरी कोशिश किया हूँ, तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए जल्दी से इसको शुरू करते हैं। और जो भी भाई बंधु हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं, उनसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। द फॉलोइंग मार्क इज प्रेजेंट वेयर टू रेलवे ट्रैक ज्वाइन ए पॉइंट। इट मार्क्स द लाइन बियॉन्ड विच ए ट्रेन टेकिंग वन ऑफ द डाइवर्जिंग रूट्स फ्राम द पॉइंट शुड कम्प्लीटली पास, सो डैट देयर इज नो रिस्क ऑफ कोलेजन विथ ए ट्रेन टेकिंग द अदर डाइवर्जिंग रूट। इसके बाद फॉलिंग मार्क शुड बी डिस्टिंक्टली विजिबल एंड डिफिकल्ट टू रिमूव। अर्थात फॉलिंग मार्क वहाँ मौजूद रहता है जहाँ दो रेलवे ट्रैक एक बिंदु पर जुड़ते हैं। यह उस रेखा को चिन्हित करता है जिसके आगे एक ट्रेन उस बिंदु से डाइवर्जिंग मार्गों के आगे जाता है और यह उस बिंदु को पूरी तरह से गुजरना चाहिए। ट्रेन के दोनों छोर के द्वारा उस निशान को पार करना चाहिए ताकि दूसरे मार्ग द्वारा ले जाए जाने वाली दूसरी ट्रेन के साथ टकराने का कोई खतरा न हो। और फॉलिंग मार्क के निशान स्पष्ट रूप से दिखाई देने और हटाने में मुश्किल होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, दीज शुड बी फिक्स्ड एट पॉइंट एट विच द स्पेसिंग बिटवीन द ट्रैक्स बिगनिंग द रिड्यूस टू लेस देन द मिनिमम एज लेड डाउन इन द शेड्यूल ऑफ डायमेंशन, i.e. नॉट लेस देन 4.265 मीटर फॉर एग्जिस्टिंग यार्ड्स एंड 5.3 मीटर फॉर न्यू यार्ड लाइंस। मतलब इन्हें उस बिंदु पर तय किया जाना चाहिए या लगाया जाना चाहिए जिस पर पटरियों के बीच रिक्ति अर्थात स्थान आयामों की अनुसूची के निर्धारित न्यूनतम से कम करने के लिए शुरू होती है। अर्थात मौजूदा यार्ड्स के लिए 4.265 मीटर से कम नहीं और नई यार्ड्स लाइन के लिए 5.3 मीटर से कम की दूरी होनी चाहिए। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जहां फॉलिंग मार्क लगता है उसके दोनों बगल के जो रेलवे ट्रैक है उसके मिड पॉइंट से उसकी दूरी 4.265 मीटर और 5.3 मीटर होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, द फॉलिंग मार्क शुड कंसिस्ट ऑफ ए स्टोन सीमेंट कंक्रीट ब्लॉक अबाउट 1500 मिलीमीटर इन लेंथ, 250 मिलीमीटर वाइड एंड 125 मिलीमीटर थिक विथ द टॉप एज राउंडेड ऑफ एंड द टॉप सरफेस वाइट वॉश्ड आर ऑफ अनसर्विसेबल रेल पीस एम्बेडेड इन कंक्रीट सपोर्ट एंड पेंटेड वाइट। दिस शुड बी लेड लेवल विथ द टॉप लाइन ऑफ द ब्लास्ट सेक्शन। मतलब फॉलिंग मार्क निशान में लगभग लंबाई में 1500 मिलीमीटर का एक पत्थर सीमेंट कंक्रीट ब्लॉक का होना चाहिए जिसकी चौड़ाई 250 मिलीमीटर और मोटाई 125 मिलीमीटर होना चाहिए। शीर्ष किनारे के साथ गोल और शीर्ष स्तर सफ़ेद रंग से रंगा होना चाहिए और बेकार रेल के टुकड़े ठोस के साथ समर्थन और उसे सफ़ेद रंग में रंग करके उसको सपोर्ट में रखना चाहिए। इन्हें गिट्टी अनुभाग की शीर्ष रेखा के साथ समतल किया जाना चाहिए। अब चलिए देखते हैं इसका कॉन्सेप्ट कि फॉलिंग मार्क क्यों इंस्टॉल किए जाते हैं। देखिए यहाँ पे दो रेलवे ट्रैक दिखाई दे रही है जिसमें एक लूप लाइन या साइडिंग लाइन है और सीधी वाली मेन लाइन है। जब कोई ट्रेन लूप लाइन से गुजरती है और आगे उसका स्टॉपेज रहता है, तो मान लीजिए यहाँ पर वह स्टॉपेज हो गया, यहाँ पे खड़ी हो गई और मेन लाइन से कोई ट्रेन आ रही है, तो इस लूप लाइन वाले में जाकर टकरा जाएगी। क्यों टकरा जाएगी? क्योंकि यह
उस न्यूनतम दूरी को जहाँ फॉलिंग मार्क रहता है उसको नहीं पार किया हुआ है, फॉलिंग मार्क के पहले है, इसलिए यहाँ पे दोनों ट्रेन में टक्कर होना स्वाभाविक है। और इसी टक्कर से बचने के लिए रेलवे ट्रैक के जहाँ पे क्रॉसिंग होते हैं या फिर दो लाइन निकलते हैं वहाँ पे फॉलिंग मार्क को लगाया जाता है, ताकि गार्ड यह देख करके सुनिश्चित कर ले कि उसकी गाड़ी पूरी तरह से फॉलिंग मार्क से आगे निकल चुकी है और दूसरी ट्रैक से आने वाली ट्रेन उस ट्रेन से नहीं टकराएगी। अब देखिए दूसरे कंडीशन में, जैसे कोई ट्रेन लूप लाइन से गुजरी तो यह गुजरती हुई या फॉलिंग मार्क जहां इंडिकेट हो रहा है उससे आगे रुक गई और दूसरी ट्रेन मेन लाइन से जब गुजरेगी तब देखिए क्या होता है। जैसे यह मेन लाइन से दूसरी ट्रेन गुजर रही है तो पहले वाले लूप वाली लाइन में कोई टक्कर नहीं होगी और यह सीधा अपने गंतव्य स्थल पर निकल जाएगी। तो यही इस फॉलिंग मार्क का कॉन्सेप्ट था। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। थैंक यू वेरी मच।